कि ये जो पत्रा चावल है दरअसल महाराष्ट्र यानी महाडा गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन जो जिससे प्रवीण राउत का लेना देना है और HDIL हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के तहत 672 फ्लैट्स बनाने थे, वो टेनेंट्स को दिए जाने थे। लेकिन जो ईडी है उसका आरोप यह है कि जो डायरेक्टर थे गुरु आशीष, ये जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के प्रवीण राउत, इन्होंने महाडा को मिसलीड किया और 9 डेवलपर्स को इन्होंने प्रॉपर्टी एक तरीके से सबलेट कर दी या उसको किसी दे दिया और 900 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने निकाल लिए। इसलिए इस पूरे मामले में प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया फरवरी के महीने में। रवि, ये जो पूरा मामला है, क्या अब ये जैसा कि ये दिखाई पड़ रहा है कि 672 प्लॉट फ्लैट बनाने थे, टेनेंट्स को देना था, वो नहीं दिया गया, उसमें कुछ गड़बड़ है, तो इसमें संजय राउत और उनकी पत्नी का क्या लेना देना है? क्या वो भी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं? क्या उनका भी इस फ्रॉड में नाम आ रहा है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रवीण राउत और की पत्नी और इनके बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ, उस वजह से उनका नाम आ रहा? रवि, आप अपने का अनम्यूट करिए। रवि, हाँ जी, दो दो रवि है तो कंफ्यूजन हुआ। अच्छा, सॉरी, रवि आंबेकर। हाँ, तो बेसिकली प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी माने जाते हैं और ये पूरा मामला मुझे लगता है कि ईडी के परव्यू में जाने से पहले या तो ये धोखाधड़ी का मामला होता, EOW जो स्टेट की एजेंसी है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की, क्योंकि मामला स्टेट गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड भी कराया था। तो मुझे लगता है कि जो स्टेप्स होते हैं इसमें ईडी चुन चुन के ऐसे केसेस आइडेंटिफाई कर रही है महाराष्ट्र के जिसको वो ECIR में कन्वर्ट करे, और ऐसे जिसमें आपने अभी 900 करोड़ का मामला बताया, अब मामला 50 लाख का हो या 5 लाख का भी हो, जैसे नवाब मलिक के मामले में उन्होंने एंट्री पॉइंट में बताया कि 55 लाख का मामला है, लेकिन बाद में कहा कि उसमें टाइपो एरर था तो ये 5 लाख का ट्रांजैक्शन का मामला है, तो एंट्री पॉइंट आपका 1 रुपए का भी हो सकता है। अब ये ज्यूरिडिक्शन का मामला है, साथ ही में एथिक्स और बाकी हम जिसे कह सकते हैं कि क्रिमिनल यूसेज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज का मामला है, तो मुझे लगता है ये सीधे तौर पे अगर ये क्रिमिनलिटी है, 420 का भी मामला है, तो ईडी का बेसिकली इसमें इंटरवेंशन क्यों है? ईडी का इंटरवेंशन इसलिए क्योंकि इसमें पॉलिटिकल एजेंडा इसके पीछे सीधे तौर पे ड्राइव कर रहा है। ये मामले कोई फाइनेंशियल फ्रॉड्स के अगर निकाले जाए तो चुनाव से पहले जितने लोग बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना से, इन तमाम लोगों के पीछे ऐसी सेंट्रल एजेंसियों के मामले थे और उसके बाद में वो ठंडे बस्ते में गए और इन तमाम लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिनमें से कई लोगों ने अपने स्पीच में भी बोला है कि जब से हमने बीजेपी ज्वाइन की तब से हम चैन की नींद सो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कंप्लीट पॉलिटिसाइजेशन है, क्रिमिनल यूसेज ऑफ ईडी है, और खास तौर पर अगर ये मामला ईडी का उठाया भी गया है तो एक सीधे तौर पे केस और भी देखनी पड़ेगी कि जितेंद्र नवलानी केस संजय राउत ने उठाया था जिसमें अराउंड 70 बैंक ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स उन्होंने दिए थे और 58 करोड़ का उन्होंने पूरा ट्रांजैक्शन बताया था और जिसके पेपर्स भी उन्होंने PMO को दिए थे। हालांकि किसी भी सेंट्रल एजेंसीज के पास के बारे में कोई भी करप्शन का मामला आता है तो CVC उसमें एक्टिव हो जाती है, CBI को उसमें इन्वेस्टिगेशन करना होता है, लेकिन इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मुझे मेरे ख्याल से 2-3 हफ्तों से ज्यादा का वक्त हुआ, लेकिन इसमें कोई भी इनिशिएट हुआ नहीं है, कोई भी मामला इनिशिएट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि सीधे तौर पे सेंट्रल एजेंसीज जिसको हम केज पैरट कहते हैं, तो सीधे तौर पे इसी टर्म पे काम करते हुए इस मामले में दिखाई दे रही है। अगर संजय राउत ने फाइनेंशियल स्कैम किया है, क्योंकि देखिए बीजेपी की अपनी जो मोडस ऑपरेंडी है दो ही तरह की है, या तो कैरेक्टर्स के साथ में कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में किसी को दिखाया जाए कि क्रिमिनल है, दो ही तरह के मामले हैं, तो दोनों तरह के मामले में कई लोग आपराधिक हो सकते हैं। ADR के रिपोर्ट्स हम देखें तो तमाम लोग जो जितने भी विधायक या सांसद चुन के आए उनमें से हार्डली 2-3% लोगों की संपत्ति वो नेचुरल और नॉर्मल दिखाई दे आपको, बाकी सारे लोग जो आपको 100 करोड़ 50 करोड़ के आगे दिखाई देंगे, तो ये कोई संपत्ति ऐसी ही नहीं आती है। तमाम लोगों को अगर छाना जाए तो सारे लोग जेल में दिखेंगे, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा बिल्कुल है और मुझे लगता है कि एक
गुजरात इलेक्शंस के साथ, जो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि गुजरात इलेक्शंस के साथ में महाराष्ट्र इलेक्शंस लेने की एक बड़ी साजिश है, गुजरात के इलेक्शंस दिसंबर 2022 में है, यानी अगर अब से शुरू की जाए ये पॉलिटिकल क्राइसिस या पॉलिटिकल स्टोरी, तो आपको जून जुलाई के आसपास महाराष्ट्र गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट रूल लाना पड़ेगा ताकि उतना 6 महीने का वक्त मिलेगा चुनाव के लिए। तो अगर दिसंबर में चुनाव करने हैं तो किसी भी तरह को महाराष्ट्र सरकार बर्खास्त करने की, ये आप कहें कि हम लोग रिवर्स जो प्लानिंग होती है वो रिवर्स प्लानिंग मुझे इसमें दिख रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।